प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। आज हम हिंदी भाषा सेतु के पाठ दो धैमा पन्ना के विषय में अध्ययन करेंगे। हम लोग राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से संबंधित वीरों वीरांगनाओं के बारे में इतिहास के पन्नों से जानकारी मिलती है कि जिन्होंने अपने देश की मर्यादा और अखंडता को बनाए रखने हेतु जहाँ वीर पुरुषों ने अपना बलिदान दिया, वहीं नारियां भी कम नहीं हैं। जैसे में शिवाजी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी आदि। इन क्रम में त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने भी अपने पुत्र को बलि देकर चित्तौड़ के राजवंश को बचाने के लिए राष्ट्रभक्ति की अनूठी गाथा भारतीय नारी के चरित्र को उद्घाटित करती है। अब मिशी के बारे में जानकारी करेंगे। चित्तौड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। यहाँ के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकतों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस प्रदेश ने जहाँ राणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस वीर भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। त्याग और बलिदान देशभक्ति की ऐसी ही एक मिसाल थी धैमा पन्ना। पाठ का सारांश है, धैमा पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। उदय सिंह संग्राम सिंह का पुत्र था जिसका लालन पालन हेतु रखा गया था। बाद में संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। उनका बड़ा पुत्र अत्याचारी था जिसे प्रजा गद्दी से उतार दिया था। उस समय उदय सिंह मात्र 6 वर्ष का था, इसलिए राजकाज चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया। बनवीर को राजसत्ता का लोभ हो गया। उसने विक्रमादित्य को मारकर उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। इस बात का पता जब धैमा पन्ना को चला तो राजवंश को बचाने के लिए वह अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और कहा कि यहीं प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। जब वनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुँचा तो उसने जाते ही कड़क कर धाय माँ से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। धाय माँ उस त्याग की मूर्ति धाय माँ ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर इशारा कर दिया। उसके देखते ही देखते वनवीर ने उनके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ। वह वीर धाय माँ अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह शब्द देखती रही और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि दे दी। वीर धाय माँ पन्ना देवी उदय सिंह को देवी उदय सिंह को लेकर आशा शाह के पास जाती हैं और उदय सिंह का बचपन आशा शाह के पास व्यतीत होता है। 16 वर्षों के बाद चित्तौड़ की जनता को जब पता चलता है कि उदय सिंह जीवित है, इसके बाद उन्हें धूमधाम से उदय सिंह को राजगद्दी पर बिठाया और इस दिन को देखने के लिए धाय माँ पन्ना जीवित रहें और उदय सिंह माँ उनके आदेश को भगवान का आदेश समझकर उनका पालन करता रहा। इस प्रकार हमारे देश का इतिहास ऐसे ऐसे महान नारियों के त्याग और बलिदान से गौरवान्वित है। इसमें धाय माँ पन्ना का चरित्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बच्चों, यह है पाठ का सारांश। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसके आगे पाठ का एक्सरसाइज है, कर लीजिएगा। शब्दार्थ भी लिख लेंगे और मौखिक प्रश्न उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा रफ कापी में।